हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट सेमेस्टर स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2000 रुपए की राशि पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 2420 रुपया हो जाएगा। बच्चा, इसमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपया, ठीक है। ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन कितना है 2420 रुपया, ठीक है। यह मूलधन या मिश्रधन दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला से जान लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से जानेंगे। फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+R यानी दर बटा 100 के पावर टी यानी समय। मिश्रधन दिया हुआ है 2420 रुपया, ठीक है बच्चा। मूलधन है 2000 इंटू 1+R कितना है, R यानी 10%, ठीक है। समय यानी टी, ये 2420 रुपया नीचे आएगा 2000, ठीक है। यहां एक सुना से एक सुना कैंसिल होगा, यानी कि 1+1/10 के पावर टी, यहां एक सुना कटेंगे, ठीक है बच्चा। यहां दो से कटेंगे तो 1, 2, 1, यहां हो जाएगा 100, ठीक है। 121/100 बराबर 11/10 के पावर टी, कितना का होल स्क्वायर है, 11 का, नीचे 10 का, टी बराबर कितना आया 2 वर्ष, ठीक है बच्चा। ये 11/10 से 11/10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समय 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 8000 रुपए की राशि पर 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 रुपया हो जाएगा। बच्चा, इसमें मूलधन दिया हुआ है कितना, 8000 रुपया। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 9261 रुपया, ठीक है। इसमें क्या निकलना है, इसमें भी निकलना है समय, ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1+R/100 के पावर टी, यहां है 9261 रुपया, नीचे 8000। 1+ दर कितना दिया है, 5%, यहां 5 से काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहां हो जाएगा 21/20 के पावर टी। अब हम लोग जानते हैं 8000 20 के क्यू होता है, ठीक है बच्चा। आइए, 9261 21 के क्यू होता है, तो हम लोग का समय कितना आएगा, 3 वर्ष। अब जान लीजिए, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, जो बड़ा होगा ना उसे आप लोग ऊपर लिखेंगे और जो छोटा होगा उसे आप लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देख लेंगे अपने अनुसार, ये क्यू है या स्क्वायर है, ठीक है, उसी के अनुसार समय निकलता है। और अगला क्वेश्चन में हम बताएंगे दर कैसे निकलता है, ठीक है बच्चा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, 3000 रुपए की राशि से कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाएगा। इसमें क्या निकलना है, दर निकलना है, ठीक है। फिर हम लोग जान लेते हैं, इसमें मूलधन दिया है कितना, 3000 रुपया। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 3993 रुपया। समय दिया हुआ है 3 वर्ष। अब बच्चा, इससे ही आप लोग निकाल सकते हैं किसका क्यू है, ठीक है। पहले देख लेते हैं, 3993/300, ठीक है। 3 से काटेंगे तो यहां आएगा 1000, यहां आएगा 1331, यानी 1331/1000,
1331 11 का क्यू है और ये 10 का क्यू है। ठीक है बच्चा, समय निकल गया, 3 वर्ष था, यहां 3 वर्ष आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे दर। अगर दर निकालना हो तो 11/10 इंटू 100 से गुना करेंगे। ठीक है बच्चा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ, कितना गया 110, यानी 100 से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो दर कितना हुआ 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपया हो जाती है। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसमें दिया है मूलधन 8000 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है 8820 रुपया। ठीक है बच्चा, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। हम बता चुके हैं, बड़ा वाला आप लोग ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला नीचे, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हुआ। अगर 2 से काटेंगे तो यहां आएगा 441, यहां आएगा 400। ठीक है बच्चा, यानी 441/400। 441 कितना का स्क्वायर है, 21 का, और ये 420 का। ठीक है बच्चा, आ गया। अब हम लोग लिखेंगे दर निकालने के लिए, 21/20 गुने 100, 20/25 100, कितना अधिक है, यहां 105 आया, 21/25 105, कितना अधिक है 5 अधिक है, तो दर हम लोग का कितना होगा 5%। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दूसरा टाइप से। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन बोल रहा है 10000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना होगा। कितना दिया हुआ है 10000 रुपया, पहले वर्ष में कितना है 10%, कितना आएगा 1000 रुपया। ठीक है, और दूसरे वर्ष में कितना है 12%, यह कितना आएगा 1200 रुपया। ठीक है बच्चा, जोड़ने की बात है सबको। अब फिर हम लोग 12% का दूसरा वर्ष है ना, तो इसमें निकालेंगे 12%, तो ये कितना आ जाएगा 120 रुपया। अब सबको हम लोग जोड़ देंगे, यहां हो गया 10000 प्लस यह है 1000 प्लस यह 1200 प्लस यह 120, जोड़ेंगे तो आएगा ये 10000, ये 1000, 11000, यह 100, 12000, 200, 300, 12320 रुपया आएगा, 320 रुपया आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7000 रुपया और 8 वर्षों में 10000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बच्चा, इस टाइप को हम कल बताएंगे। ठीक है, कल हमारा 7वां टाइप रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।